सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पेज फाउंडेशन की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए हेल्पेज फाउंडेशन के सुनील ठाकुर ने अधिक जानकारी साझा की। 1990 में संयुक्त राष्ट्र वयस्क नागरिकों के सम्मान में हर साल वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाने का ऐलान किया था। उस वक्त सभी देशों में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास की सराहना की गई थी। इसके बाद 1991 में 1 अक्टूबर को पहली बार वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया और उसके बाद से हर वर्ष 1 अक्टूबर को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है, जिसके चलते हेल्पेज फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा लगे और कोरोना कार्यकाल में जिन मानसिक तनाव और शारीरिक पीड़ाओं से उन्हें जूझना पड़ा था उसे थोड़े देर के लिए सही राहत मिली, इस उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में हेल्पेज फाउंडेशन के सुनील ठाकुर ने अधिक जानकारी साझा की। नमस्कार, मैं सुनील ठाकुर, हेल्पेज इंडिया नागपुर। आज जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन है, उस निमित्त से दो साल से सारे ज्येष्ठ नागरिक कोरोना से परेशान थे, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि सारे ज्येष्ठ नागरिकों को उस माहौल से, उस मानसिकता को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल सके, इसलिए 1 अक्टूबर पूरी दुनिया में ज्येष्ठ नागरिक दिन करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज आप देख सकते हैं कि सारे ज्येष्ठ नागरिक अजनी पुलिस स्टेशन के सामने उपस्थित है और ये दिन को, ज्येष्ठ नागरिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं और ये आज उनके लिए विशेष दिन है। हम चाहते हैं कि शासन और समाज उनको इज्जत की और सम्मानजनक जिंदगी दे और उनके घर में भी उनको आदर मिले, समाज में उनको आदर मिले, ये हमारी सरकार से विनती है। धन्यवाद। आजकल के बच्चे माता पिता या फिर घर के बुजुर्गों को तरजीह नहीं देते, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बुजुर्गों के साथ रहने से घर की नींव मजबूत रहती है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अपने अनुभव और योग्यता से मुश्किल कामों को भी आसान कर देते हैं। मगर सफल लोग आज भी कई अवसर पर बड़े बुजुर्गों से राय लेते हैं। इसके लिए न सिर्फ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पर बल्कि सामान्य दिनों में भी वयस्क नागरिकों की सेवा करनी चाहिए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।